लोगों से जो क्वेश्चंस किए जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल सा क्वेश्चन हमसे जब भी इंटरेस्ट की बात करता है वो 2 साल का या 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है, रेयर केस में 4 साल का पूछता है, मैक्सिमम आपसे जो क्वेश्चन करता है 2 साल या 3 साल, ठीक है। लेकिन हम लोग 4 साल तक का इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे, हालांकि उसके आगे भी पूछता है तो आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन पूछेगा नहीं आपसे, जो इंटरेस्ट पूछेगा ओनली 2 ईयर आर 3 ईयर, ठीक है। तो एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है इंटरेस्ट। मान लेते हैं हम कुछ हमारा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कैसे इंटरेस्ट निकलता है। प्रिंसिपल हमने मान लिया 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी है 10%। अब अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट की, तो जब हम लोग इंटरेस्ट की बात करेंगे तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ईयर पहले साल, चलो तो हम लोग लिख लेते हैं फॉर 2 ईयर। अगर 2 साल की बात करें, पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमारा वही होता है जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का होता है। तो अगर हम लोग 2000 रुपए का 1 साल का इंटरेस्ट निकालने जाएंगे तो 2000 का 10% यानी 2000 का हम लोग 10% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 200 रुपए। अगर हम लोग बात करें कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल कर आएगा, तो जो प्रिंसिपल है उसका जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई जाए उतना परसेंट यानी 200 रुपए। तो पहले साल का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 200 रुपए। आपसे कहा जाए कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है तो वो भी 200 रुपए होगा। जब हम लोग दूसरे साल एंट्री करते हैं, ध्यान से समझिएगा भाई, दूसरे साल जब हम लोग एंट्री करते हैं तो जो पहली बार मिला वो हमको मिलता ही है प्लस उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी पहले साल जो 200 मिला था ये तो हमको दूसरे साल मिलेगा ही मिलेगा प्लस इस पर भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस पर हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, देखिए जो हमको पहले साल मिला उसको उठा के डिब्बे में बंद कर लीजिए और जिसको हम डिब्बे में बंद किए हैं इस पर भी इंटरेस्ट ले लीजिए और 200 पर हम लोग 10% इंटरेस्ट लेंगे तो 200 का 10% हो जाएगा 20 रुपीज। देखिएगा आप कैसे चीजें बनती हैं, तो ये हमारा आ गया 20 रुपए, इसे हम लोग ये हमारा हो गया टोटल इंटरेस्ट। अब अगर हम लोग बात करें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमारा आ जाएगा देखिए 200 × 2 + 20 यानी 420, ये हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अगर यहां से हम लोग बात करें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो ये क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है तो जो 2 साल का साधारण ब्याज है ये 200 + 200 यानी 400 रुपए, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। 2 साल का साधारण ब्याज 400, चक्रवृद्धि ब्याज 420 कंपाउंड इंटरेस्ट। हमसे बात करें अगर डिफरेंस की, कई बार हमसे अंतर बताएगा, तो ये जो इसके अतिरिक्त जो आता है वो सब आपका डिफरेंस होता है, तो यहां पर डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 रुपीज। तो अंतर जो हमारा देखो कितना है, ये 20 रुपया, ये डिफरेंस है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे उठ सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा आपका 2 साल का 400 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 420 है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो भाई 400 यानी 200 200 आया होगा, ये जो एक्स्ट्रा 20 है ये 200 पर मिला होगा तो 200 का 20 कितना परसेंट, हमसे कह दिया अंतर 20 है यानी ये वाली वैल्यू दे दी, तो यहां से हम लोग यहां पहुंच जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हमसे कर सकता है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, अगर बात करें का इंटरेस्ट दूसरे साल का ब्याज, तो भाई 2 साल का ब्याज 420 था लेकिन दूसरे साल का ब्याज 200 + 20 यानी 220। तो कुछ हमने यहां पर डाटा आपके सामने प्रेजेंट किया,
दूसरे साल का ब्याज 220, दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज 420, दो साल का साधारण ब्याज 400, अंतर ये इसके अतिरिक्त जो भी एक्स्ट्रा बनता चला जाएगा ये होता है अंतर। तो उम्मीद करते हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी समझ में आ गया होगा। हालांकि अगर हमसे सिर्फ इंटरेस्ट की बात करता है तो हमने यहां पर देखा दो साल के लिए, भाई देखो हमसे यहां पर वैल्यू बदल सकती है, 2000 की जगह 3000 हो सकता है, 5000, कुछ भी हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पहला ब्याज आप कैलकुलेट करेंगे मूलधन से प्रिंसिपल से वो यहां पर जो आएगा वो वही यहां पर भी आएगा, यानी वो ब्याज हमारा आता है 2 times। तो जो ब्याज हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल से मूलधन से वो दो बार आता है, यानी हम लोग लिखते हैं फर्स्ट इंटरेस्ट इंटू 2 times 2 year के लिए प्लस सेकेंड इंटरेस्ट, यही होता है हमारे 2 साल का ब्याज, 2 year का इंटरेस्ट CI। पहला प्रिंसिपल ब्याज जो इंटरेस्ट हमारा मूलधन से निकला उसको हम दो बार कैलकुलेट करेंगे, प्लस सेकेंड को एक बार लेकर ऐड कर देते हैं, यही हमारा होता है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी हम 3 साल 4 साल सब देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। तो आइए अब देखते हैं कैसे हम लोग 3 साल का ब्याज कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन वही मान लो सिंपल सा, 2000 रुपए 10% के अकॉर्डिंग हमको 3 साल का ब्याज ज्ञात करना है फॉर 3 year। दिमाग में अच्छे से फिगर सेट कर लीजिए, इसे हम बार बार इसीलिए फिगर बनाने जा रहे हैं ताकि फिगर दिमाग में सेट हो जाए और आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजीली ट्रीट कर सकें। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पहले साल अगर हम लोग 3 साल की बात करें तो देखिए फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, प्रिंसिपल का 10% यानी 200। हम लोग सेकेंड ईयर में आएंगे तब कितना मिलेगा, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया जो पहले साल मिला दूसरे साल वो मिलना तय है, हम लोग उसको उठाकर बॉक्स में बंद कर दें और जिसको बॉक्स में बंद किया भाई उस पर भी इंटरेस्ट ले लो, यही होता है ब्याज पर ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस पर 10% ले लेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा, ये हमारा हो गया 2 साल का। जब हम लोग तीसरे साल एंट्री करेंगे भाई तो जो हमको सेकेंड ईयर मिला वो मिलना तय है, इसलिए सेकेंड ईयर वाले को हम लोग डिब्बे में बंद कर लेते हैं और जिसको हमने डिब्बे में बंद किया इस पर भी ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। तो भाई 200 पर ब्याज लेंगे तो देखिए निकलेगा 20 और इस 20 पर ब्याज लेंगे तो देखिए निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल की तो देखिए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा जो निकल कर आया, देखिए 200 आया होगा हमारा 3 times, फिर 20 हमारे पास आया 3 times, प्लस 2 आया 1 times। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जो आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमने बताया अभी स्टार्टिंग में ये वैल्यू हमारी बदल सकती है, ये वैल्यू बदल सकती है तो पहला इंटरेस्ट हमारा बदल सकता है, लेकिन पहला इंटरेस्ट 3 साल के लिए देखो 3 बार आया है तो 3 ही बार आएगा, 3 बार से ना तो ज्यादा आएगा ना तो कम आएगा। तो हम लोग करते क्या है, प्रिंसिपल का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उतना इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, हमको पहला ब्याज पता चल जाता है और हमको फर्स्ट इंटरेस्ट पता चल गया और उसको हमने तुरंत 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले ब्याज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पहला ब्याज 3 बार कैलकुलेट करते हैं, प्लस सेकेंड इंटरेस्ट, सेकेंड इंटरेस्ट आता है फर्स्ट इंटरेस्ट से, सेकेंड इसको भी 3 बार कैलकुलेट करेंगे 3 साल के लिए, प्लस थर्ड, थर्ड हमारा कितना आएगा सेकेंड का जो भी निकले और उसको हम लोग 1 बार लेते हैं, बस यही इंटरेस्ट हो जाता है। यानी अगर हमसे क्वेश्चन में कहा जाता कि 2000 रुपए का 10% के अकॉर्डिंग 3 साल का ब्याज बताओ तो हमने सिर्फ इतना करना था 2000 का 10% निकालते 200 आ जाता इंटू 3 कर दिया, हमें पता है फर्स्ट इंटरेस्ट 3 बार प्लस सेकेंड, सेकेंड कहां से आएगा इसका 10% ले लेंगे यानी 20, हमको पता है सेकेंड इंटरेस्ट भी 3 times, ये हम लोग याद रखते हैं, प्लस थर्ड इंटरेस्ट, थर्ड इंटरेस्ट हमारा कहां से आएगा सेकेंड का 10% यानी 2 रुपए, भैया यही आंसर हो गया।
तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इन फिगर्स को दिमाग में सेट कर लेंगे, तीन साल के लिए फर्स्ट इंटरेस्ट 3 बार, सेकंड 3 बार और थर्ड 1 बार लेकर कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ये हमारा 3 साल का इंटरेस्ट हो गया। अच्छा अब तो ये इंटरेस्ट हो गया, मान लो हमसे डिफरेंस पूछता तो हमने बताया ये होता है डिफरेंस, ये हमारा है साधारण ब्याज, ये SI होता है, ये टोटल डिप, ये वाला पार्ट इतना जितना इधर है, ये एक्स्ट्रा हमारा 62, ये हो गया अंतर, एक टोटल हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उम्मीद करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी समझ में आ रहा होगा कि कैसे चीजें बनती हैं। एक और फिगर अभी हम आपके साथ उठाकर डिस्कस करते हैं, 4 साल। आइए हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल क्वेश्चन, वही है प्रिंसिपल हमारा मान लो है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और हमसे टाइम बता दिया है 4 साल, 4 साल की बात करनी है। तो देखिए कैसे चीजें बनेंगी, पहले साल क्या आएगा इसका 10%, सबको समझ आ रहा होगा भाई उम्मीद करते हैं 200। सेकेंड ईयर हमने बताया जो फर्स्ट ईयर मिला वो मिलेगा ही मिलेगा, उसको बॉक्स में बंद कर लो, प्लस उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा इसका 10%। थर्ड ईयर जब हम लोग आएंगे, हमने बताया आपको जो सेकेंड ईयर मिला वो मिलेगा ही मिलेगा, यानी 200+20 तो मिलना फिक्स है, प्लस इस पर भी इंटरेस्ट लेना है, तो 200 का 20 हो जाएगा और 20 का लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 साल का हो गया। हम लोग जब फोर्थ ईयर में पहुंचेंगे, चौथे साल का ब्याज देखेंगे, तो जो तीसरे साल मिला ये तो मिलना तय है, इसको उठाकर हम लोग बॉक्स में बंद कर दें, कभी गलती नहीं होगी, जो आपने पहले ले रखा है उसे बॉक्स में बंद कर दो, प्लस उस पर भी इंटरेस्ट ले लो। तो भैया 2000 का देखो हो जाएगा 200 का 20 रुपया, इस 20 का 2 रुपया, इस 20 का भी 2 रुपया और इस 2 का 0.2 रुपया। अब हम लोग देखिए यहां पर पाए होंगे फर्स्ट इंटरेस्ट हमारा यानी जो 200 था ये 4 बार आया होगा, सेकेंड इंटरेस्ट जो हमारा 20 था ये देखिए 6 बार आया होगा, और थर्ड इंटरेस्ट हमारा जो 2 था ये देखिए 4 बार आया होगा, फोर्थ इंटरेस्ट हमारा 1 टाइम आया होगा, यही हमारा 4 साल का इंटरेस्ट हो गया 928.20 रुपया। ठीक, तो अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे कभी 2 साल कभी 3 साल कभी कभी 4 साल। तो अगर हमसे 2 साल की बात करें तो पहला 2 बार दूसरा 1 बार, 3 साल की बात करें तो पहला 3 बार दूसरा 3 बार तीसरा 1 बार, 4 साल की बात करें तो पहला 4 बार दूसरा 6 बार तीसरा 4 बार और चौथा 1 बार। फर्स्ट जो है इंटू 4 प्लस सेकेंड इंटरेस्ट इंटू 6 प्लस थर्ड इंटरेस्ट इंटू 4 प्लस 4 इंटरेस्ट, इनको ऐड कर लेंगे, यही हमारा 4 साल का ब्याज होता है। इतना करने से हम लोग ये सब करने से बच जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फिगर अब याद रहेगी, इस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, हमसे अगर कहता अंतर बताओ तो ये पार्ट अंतर होता है, और ये जो पार्ट था हमारा क्योंकि साधारण ब्याज समान प्रत्येक वर्ष 200 ही मिलेगा, जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट वही होता है हमारा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेकेंड ईयर से डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वहां ब्याज पर ब्याज लगने लगता है। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी आपकी समझ में आई होगी। अब आपने जाना होगा कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डील करेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं, तो आइए हम लोग डील करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है हमारा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹2000 एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर, यानी हमसे कहा है प्रिंसिपल है ₹2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम ड्यूरेशन है हमारी 4 ईयर। ठीक है, अब हमसे कहा गया है ₹2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज बताओ, तो हमको 4 साल का इंटरेस्ट बताना है। अभी हम लोगों ने बताया इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, पहले तो कैलकुलेट कर लो इसका 10%। 10% कैलकुलेट किए तो देखिए निकल आया ₹200। हमको पता है, हम लोग पीछे स्टार्टिंग में जो हमने 3 बातें डिस्कस की उन्हें याद रखिएगा, क्वेश्चन उंगलियों पर हो जाएंगे आपके। 4 साल के लिए 4, 6, 4, 1,
पहला इंटरेस्ट 4 बार, दूसरा इंटरेस्ट 6 बार, तीसरा इंटरेस्ट 4 बार, चौथा इंटरेस्ट 1 बार। तो फर्स्ट इंटरेस्ट इनटू 4 प्लस सेकंड, दूसरा कहां से आएगा 200 का 10%, 200 का जब हम लोग 10% निकालेंगे तो भाई आ जाएगा 20 रुपया। हमको पता है दूसरा ब्याज आता है 6 बार, इंटू 6 कर दिया। प्लस थर्ड इंटरेस्ट, थर्ड इंटरेस्ट कहां से आएगा भाई, इसका 10%, तो 20 का 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा 2 रुपया। हमको पता है थर्ड इंटरेस्ट हमारा 4 बार आता है, इंटू 4 कर दो। प्लस फोर्थ इंटरेस्ट, फोर्थ इंटरेस्ट कहां से आएगा, 2 का 10%, 2 का 10% निकालेंगे तो 0.2 आएगा। यही हमारा आंसर है। अब देखो ये हो गया 800, ये हो गया 120, 920 और 828, 928 रुपया 20 पैसा। यही हमारा सवाल था, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखिए कितना आसान सवाल है, इतनी इजीली हम लोग क्वेश्चंस को डील कर पा रहे हैं। ठीक, ये तभी संभव है जब हम लोगों ने जो बेसिक्स पढ़े हैं, पिछला जो 10-15 मिनट हम लोगों ने चर्चा की उसे अगर आपने अच्छे से समझा है, पकड़ा है, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और आसान सा सवाल, वही आगे बढ़ते हैं, एक और आसान सा सवाल उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है। कहा गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 8000 एट 5% पर एनम फॉर द 3 ईयर, यानी 8000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। तो हमको इंटरेस्ट बताना है, हमें बताया गया हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और जो हमको टाइम बताया गया है वो 3 ईयर। ठीक, हमने पढ़ा है 3 साल के लिए पहला ब्याज 3 बार, दूसरा ब्याज 3 बार, तीसरा ब्याज 1 बार। कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका 5% कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए 10% के लिए 1 0 कम कर दो 800, 5% 800 का आधा 400, 10% 800, 5% 800 का आधा यानी 400। तो पहला इंटरेस्ट आया हमारा 400, हमको पता है 3 साल के लिए पहला इंटरेस्ट इंटू 3 प्लस दूसरा इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट भाई कहां से आएगा 400 का 5%, इसका 5% ये, इसका 5% यहां पर। तो 400 का जो 5% निकलेगा भाई कितना आएगा, 400 का देखो 10% 40 और 5% 40 का आधा 20। हमको पता है 3 साल के लिए दूसरा इंटरेस्ट भी 3 बार इंटू 3 कर दिया, प्लस थर्ड इंटरेस्ट, थर्ड इंटरेस्ट कहां से आएगा 20 का 5%। 20 का जब हम लोग 5% कैलकुलेट कर रहे होंगे तो देखिएगा 20 का 10% 2 हुआ, 5% 2 का आधा 1। कोई कैलकुलेशन अलग से करने की जरूरत आपने नहीं है। अब भाई इसको हल कर लो, तो 4 3 12, 20 3 60 हो गया आपका 1260 और 1 61, 1261 रुपये। यही हमारा आंसर है। देखिए कितना आसान कंपाउंड इंटरेस्ट है, कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस देखा उठाया हो गया। ठीक, तो ऐसे इजी इजी सवाल आते हैं एग्जाम में, आप आराम से कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक और आसान सा सवाल देखते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं आसान सा। कहा गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 7500 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर, यानी 7500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हमको देखिए प्रिंसिपल जो बताया गया है वो बताया गया 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई गई 4% पर एनम, और हमको टाइम दिया गया 2 साल। बहुत आसान है, हमको पता है भाई 2 साल के लिए पहला ब्याज 2 बार, दूसरा ब्याज 1 बार। ठीक, तो हम लोग इसका 4% निकाल लें, 4% निकालेंगे भाई, देखो 10% एक चला गया, 1% में 75 आ गया, 4% में 75 को 4 से गुणा कर दो, कैसे निकालेंगे फिर से समझो, 10% के लिए 10 एक जीरो हटाओ, 1% के लिए एक और जीरो हटा दो, बचा कितना 75। अब 75 जो हमारे पास बचा यह है 1% की वैल्यू, 4% की वैल्यू के लिए 75 को 4 से गुणा कर दो, 75 को 4 से गुणा कर दिया 300,
पहला इंटरेस्ट आ गया हमारा 300, हमको पता है दो साल के लिए पहला दो बार प्लस दूसरा, कहां से आएगा भाई 300 का 4%। जब लोग 300 का 4% निकालेंगे, 10% 30 हुआ, 1% हो गया आपका 3 और 4% हो गया 4×3=12, तो ये आ गया हमारा 612। कितना आसान, ठीक है। तो ओरली सवाल हम लोग कर ले रहे हैं, आप ये तभी संभव है जब उन लोगों ने जो बेसिक्स जाना है उसको आप अच्छे से पकड़ लेंगे। तो जो हम लोगों ने 15-20 मिनट बेसिक में लेक्चर गवाया है, प्लीज उसको अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मोर देन 70% हम उतने से ही फिनिश कर देंगे जितना स्टार्टिंग में बताए हैं, उससे ज्यादा हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और आसान सा सवाल इसी टाइप का हम लोग डिस्कस करते हैं, जब इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखते हैं एक और आसान सा सवाल है, कहा गया है बड़ा अच्छा सवाल है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर, यानी 10,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000, यानी प्रिंसिपल दिया गया है भाई 10,000 ऑफ एट 5%, आर हमको दी गई है 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी है भाई 5%। आगे कहा गया है एनुअल फॉर 3 ईयर, टाइम ड्यूरेशन हमारी जो है वो है 3 साल, हमको सीआई बताना है। तो भाई देखो, सीआई हमने बनाने का तरीका एक ही बताया, पहला इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, यानी 10,000 का 5%। देखो 10,000 का 10% निकालेंगे 1,000 आएगा, 5% 1,000 का आधा हो गया, यानी 500 हो गया। तो पहला इंटरेस्ट हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे 10,000 का 5%, तो वो निकल कर आएगा 1,000 का आधा, यानी 500। अब हमको पता है पहला इंटरेस्ट 3 साल के लिए आता है 3 बार, तो कुछ नहीं करना, इंटू 3 कर दो भाई, प्लस दूसरा इंटरेस्ट। अब दूसरे इंटरेस्ट के पास जब हम लोग जा रहे होंगे तो देखिए हम पाएंगे क्या, यहां से हम लोग निकालेंगे 5%, इसका 5%। तो जब इसका हम लोग 5% निकालेंगे तो देखिए 10% 50 आया, 5% 25 आएगा। हमको पता है 3 साल के लिए दूसरा ब्याज भी 3 बार आता है, प्लस थर्ड इंटरेस्ट। थर्ड इंटरेस्ट कहां से आएगा, इस 25 का 5%, 25 पंचे होता है 125, 125 को 100 से भाग करेंगे, यानी 1 रुपया 25 पैसा और बन जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 1500, ये हुआ 75, 1575 और 176, यानी 1576 रुपया 25 पैसा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत आसान सवाल थे हम लोगों ने डिस्कस किए। तो अब अगर प्रिंसिपल दिया है तो कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपसे 2 साल या 3 साल पूछेगा, रेयर केस में 10 साल, तो फिर हम लोगों ने 4 साल, तो 4 साल के बारे में भी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है भाई। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा अच्छा है, कहा गया है फाइंड द सीआई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1,25,000 एट 8% पर एनम फॉर 9 मंथ्स इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। बहुत अच्छा सवाल है, कहा गया है कि 1,25,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज तिमाही देय है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कभी कहेगा कि क्वार्टरली हम इंटरेस्ट पे करना पेएबल है, या कभी कहेगा हाफ ईयरली पेएबल है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमको ध्यान क्या रखना है वो डिस्कस करते हैं।
देखिए एक साल में अगर हम लोग बात करें तो दो हाफ ईयरली होती है, यानी दो हाफ ईयरली का मतलब दो बार आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, साल में दो बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यानी दो बार ब्याज पर ब्याज लग जाएगा। कब ये आप लोग बात करें? हाफ ईयरली में। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे होंगे क्वार्टरली में, तो एक साल में चार क्वार्टरली हुई, चार तिमाही हुई, यानी चार बार ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को डील करते समय बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि इंटरेस्ट यदि ब्याज हाफ ईयरली यानी छमाही देय है, तो हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यानी उस कंडीशन में हम लोग तो दर आधी और समय दोगुना, ये कब हम लोग करेंगे? जब छमाही दे है, ठीक। और यदि इंटरेस्ट क्वार्टरली तिमाही दे है, पेबल है, तो दर हम लोग चौथाई यानी वन फोर्थ, ठीक, वन फोर्थ और समय चार गुना यानी फोर टाइम्स कर देंगे। दो गुना मतलब टू टाइम्स। तो बस इतना ध्यान रखना है, सारे सवाल निकल जाएंगे, ठीक है। जितने बार ब्याज कैलकुलेट होगा समय को उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को उतने से ही डिवाइड कर लेते हैं और हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे हटा दें। यानी हमने आपसे बताया इफ रेट जो इंटरेस्ट पेबल है हाफ ईयरली, देन हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को वन फोर्थ सॉरी हाफ एंड टाइम को टू टाइम्स कर देंगे, और इफ इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली देन हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को वन फोर्थ एंड टाइम को फोर टाइम्स कर लेते हैं। बाकी जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन को ट्रीट करते आए हैं उसी तरह से ट्रीट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया प्रिंसिपल 1,25,000, 1,25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको बताई गई 8%, टाइम हमें बताया गया 9 महीने। अब हमसे कह दिया कि ब्याज जो है हमारा क्वार्टरली पे है, तो अगर क्वार्टरली पे है तो हमने बताया कुछ चेंजेस करेंगे, हमने बताया आपको दर को चौथाई कर लेंगे, तो 8 का 1/4 करेंगे तो निकल कर आएगा 2%, और समय को 4 गुना, तो 9 को 4 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 36 मंथ का मतलब 3 साल, ठीक है। तो अब हमारा इन दोनों वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन बन गया ये 1,25,000 रुपए का 2% के अकॉर्डिंग 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो बड़ा अच्छा सवाल, आसान सा सवाल है, हम लोग देख लें, इसको हम लोग करने में महारत हासिल कर चुके हैं। हमने क्या बताया, फर्स्ट ब्याज कैलकुलेट करेंगे कहां से, प्रिंसिपल का 2%,
प्रिंसिपल का 2% यानी 1,25,000 का जब 2% निकालेंगे, देखिए 1% निकालने के लिए दो जीरो हटा दिए 1250 आया, 2% हो जाएगा 1250 का, हम लोग इसका 2% निकालेंगे तो हो जाएगा 1250 दूना 2500। हम लोगों ने पढ़ा है तीन साल के लिए पहला ब्याज तीन बार आता है इंटू थ्री कर दो प्लस दूसरा ब्याज कहां से आएगा 2500 का 2%, 2500 का जब हम लोग 2% निकालेंगे तो 2500 का 10% देखो हमारे पास निकल कर आएगा, 2500 का 10% आप लोग निकाले देखिए 250 आ गया, 1% 25 आएगा और 2% 25 दूना 50 हो जाएगा। हमें पता है दूसरा ब्याज भी तीन बार आता है तो 50 इंटू थ्री कर दिया प्लस थर्ड इंटरेस्ट कितना 50 का 2% निकालेंगे 1 रुपया आ जाएगा। ये देख लो भाई 7500 हो गया, 150 हो गया, 7500 150 यानी 7650 हो गया प्लस 1 यानी 7651 रुपया। बहुत आसान सवाल था, 7651 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन हमें वैसे ही हल करना है, बस इतना याद रखना है छमाही देय है तो आधी और चौथाई कर लेंगे, तिमाही देय है सॉरी छमाही देना है तो आधी दर और समय दोगुना, तिमाही देना है तो दर चौथाई और समय चार गुना कर लेते हैं। कुछ ये बेसिक से चेंज करके हम अपने क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और आसान सा क्वेश्चन ऐसा ही उठाते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बड़ा अच्छा सवाल है, एक वैसा ही क्वेश्चन है, कहा गया है हमसे, कहा गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 7500 एट 4% पर एनम फॉर 1 ईयर इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी 7500 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ जबकि ब्याज छमाही देय है। बड़ा अच्छा सवाल है, हम लोग क्या करेंगे ऐसे सवालों को ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने आपसे बताया आपको कुछ नहीं करना है, आपने देखिए दिया है प्रिंसिपल 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी गई 4%, टाइम दिया गया आपको है 1 ईयर। अब आपसे कह दिया ब्याज हाफ ईयरली लगना है, ब्याज हाफ ईयरली लगना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर दीजिए यानी 2% हो जाएगी, टाइम दोगुना कर दीजिए यानी 2 वर्ष हो जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये बना, 7500 रुपए का 2% के अकॉर्डिंग 2 साल का ब्याज बताओ। हमने बताया कुछ नहीं करना, पहला इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, इसका 2% निकालो, इसका 2% निकालेंगे देखो 10% निकला, 1 जीरो गया, 1% एक और जीरो गया, 75 का 2% हो गया आपका 75 गुना 150 निकल आया। हमको पता है 2 साल के लिए पहला ब्याज दो बार प्लस दूसरा ब्याज कहां से आएगा 150 का 2%, 150 का जब हम लोग 2% निकाल रहे होंगे तो देखिए बहुत आसान वैल्यू निकल कर आएगी। हम लोग देखिए 150 का जब 2% निकालेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 150 दूना हो जाएगा हमारे पास ये आपका हो जाएगा 1 जीरो हटेगा 15 दूनी 30 3 रुपया ये निकल कर आ गया। तो टोटल हमारा देखिए कितना बन गया, ये 300 और 3 यानी 303 यही हमारे इस सवाल का आंसर आ गया। देखिए कितना आसान सवाल था, बड़ी इजीली हम लोगों ने इसे ट्रीट कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अब आप आराम से चीजों को निकाल लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक दो और क्वेश्चंस पर ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं आसान सा इसी टाइप का, अच्छा सवाल है अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। कहा गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1000 एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 1 ईयर, ठीक, यानी 1000 रुपए का 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ जबकि ब्याज तिमाही देय है, क्वार्टरली पेबल है। बड़ा अच्छा सवाल है, फिर से हम लोग देख लें, प्रिंसिपल हमको बताया गया 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको बताई गई 40%, टाइम हमको बताया गया 1 ईयर, कंडीशन लगी है क्वार्टरली, तो जब क्वार्टरली है तो तुरंत हमने समय को 4 गुना कर दिया यानी 4 ईयर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 कर दिया यानी 10% हो गया। तो सवाल हमारा बना 1000 रुपए का 10% के अकॉर्डिंग 4 साल का ब्याज बताओ भाई, ये हमारा सवाल है। हल कर लिया जाए भाई इसे,
हल कर ले, बहुत आसान है। 1000 का 10% निकाल लो, कितना आया भाई, 100 रुपया आएगा। पहला ब्याज आया 100 रुपया, हमको पता है 4 साल के लिए पहला ब्याज 4 बार, तो इंटू 4 कर दिया प्लस सेकेंड इंटरेस्ट। ये 4 बार कहां से कर रहे हैं, याद है ना, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है। तो कोशिश करिए सब लोग उस कॉन्सेप्ट को बार बार देखते रहिए, जितनी बार आप देखेंगे उतनी जल्दी से आप चीजों को पकड़ेंगे। पहला इंटरेस्ट इंटू 4 टाइम प्लस सेकेंड इंटरेस्ट, सेकेंड इंटरेस्ट कहां से आएगा, अब इसका 10% लेंगे, 100 का 10% निकालेंगे 10 आएगा, हमको पता है 4 साल के लिए दूसरा इंटरेस्ट 6 बार आता है, इंटू 6 कर दो। प्लस थर्ड इंटरेस्ट कहां से आएगा भाई, सेकेंड इंटरेस्ट का 10%, इसका 10% निकालेंगे आ जाएगा 1 रुपया, और हमको पता है तीसरा ब्याज भी 4 साल के लिए 4 बार आता है, इंटू कर देंगे 4। प्लस फोर्थ इंटरेस्ट यानी आपका 1 का 10%, 1 का 10% निकालेंगे तो 0.1 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गया 400, ये हो गया 60 और ये हुआ 64, यानी 464 रुपया 10 पैसा, यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं एक आसान सा सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे एक और आसान से सवाल की तरफ।